हाँ चलो, तो हम बात कर रहे थे कि लोकल रूट, तो लोकल रूट में जो भी सुपरफिशियल चीजें हैं कि आपकी स्किन है या नेजल म्यूकोसा है, आईज है, ईयर केनाल है, एनाल केनाल है या विजाइनल कैविटी है, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेशन आप अप्लाई करोगे वो इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से फॉर्मुलेशन है जिनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो थ्रू दिस लोकल रूट? इसके अंदर आता है लोशन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पाउडर, रिंस, पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रे, लोजनजेस, सपोजिटरी एंड पेसरीज। तो ये कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जिनको हम जनरली लोकल रूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंट लोकल रूट्स, जैसे कि हमने बात किया डीपर टिश्यू के अंदर जो आप अप्लाई करोगे वो वाले रूट्स, इंट्रा आर्टेरियल आर्टरी के अंदर, इंट्रा थिकल इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, इंट्रा मेड्यूलरी इंजेक्शन, अब ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर एंड रिट्रो बल्बार इंजेक्शन। तो एक एक रूट को समझ लेते हैं। पहला है इंट्रा आर्टेरियल रूट। जब आप कोई इंजेक्शन आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट करते हो उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। अब ये रूट हम कहाँ पे यूज करेंगे? स्पेशली फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज। डायग्नोसिस, हम मतलब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फाइंड करने की टेक्निक। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसे हमें डिटेक्ट करना है, उसके लिए जो स्टडी करता है इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी। तो अगर आपके आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम है, आर्टरीज में कुछ फंसा हुआ है, उसको अगर डिटेक्ट करना है तो उस केस में आप इंट्रा आर्टेरियल रूट को प्रेफर कर सकते हो, स्पेशली एम्बोलिज्म थेरेपी एंड एंजियोग्राम। अब एंजियोग्राम हम कब करते हैं? जब हमारे हार्ट के आर्टरीज में कुछ फंस चुका है, कुछ ऐसा क्लॉक है कि वहां पे क्लॉट फॉर्म हुई है और आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए हम इंट्रा आर्टेरियल रूट को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद वाला रूट है इंट्राथिकल रूट। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी एनास्थेटिक को इंजेक्ट कर रहे हो, किसी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो, तो उस रूट को बोला जाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। तो क्या आप डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करोगे क्या? ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस अवेलेबल होती है, जैसे कि सब अरेक्नॉइड स्पेस। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन पिया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर इज कॉल्ड एज सब अरेक्नॉइड स्पेस। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेन को बाहरी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तीन टाइप की मेनिंजेस प्रेजेंट है, पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, डूरा मैटर। तो पिया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। और स्पेस में अगर आप किसी ड्रग को इंजेक्ट करोगे तो फिर उसको हम बोलते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शन। अब ये इंट्राथिकल इंजेक्शन कब होता है? जब आपको कोई ऑपरेशन करना है, लोकल का लोकल रूट से करना है या जनरलाइज करना है, तो ये डिपेंड करता है। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में किसी इंजेक्शन को देते हैं तब उस रूट को बोलते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शन। जैसे कि एमसीक्यू आ गई एग्जाम में, इंट्राथिकल इंजेक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ द इंट्राथिकल इंजेक्शन द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू विच स्पेस? तो वहां पे आंसर होना चाहिए सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड लोकेशन रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। चलो नेक्स्ट पार्ट इज इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन। अब इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन मतलब क्या? अगर आप बोन मैरो के अंदर किसी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन। अब सोचो बोन मैरो के अंदर हम इंजेक्शन कब देते हैं? जब आपके बोन मैरो के टिश्यू को डैमेज हुआ है, बोन मैरो का कैंसर हुआ है, या बोन मैरो को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसको आप ठीक करना चाहते हो। एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग कॉजेस डिफेक्टिव बोन मैरो। क्या एंटी कैंसर जब ड्रग हम कंज्यूम करते हैं इसके कारण आपका बोन मैरो ज्यादातर डैमेज होता है, तो उस केस में आपको जो इंजेक्शन देना है, जो ड्रग देना है, आप डायरेक्टली बोन मैरो के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। लेकिन बोन मैरो बॉडी में कहाँ पे होता है? आपके बॉडी के जो लॉन्गेस्ट बोन है, जैसे कि आपके हैंड्स एंड लेग्स, तो ये जो लॉन्गेस्ट बोन है यहाँ पे बोन मैरो डिपॉजिटेड होता है इनटू द कोर कैविटी ऑफ द बोन्स, और उसका काम होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सबको बनाना। तो अगर आपके इस यूनिट को डैमेज हो गया तो आपके बॉडी में ना आरबीसीज बनेंगे, ना डब्ल्यूबीसीज बनेंगे, ना प्लेटलेट्स बनेंगे। तो अगर इस प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है तो आप बोन मैरो के अंदर ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हो, इसे बोलते हैं इंट्रा मेडुलरी रूट ऑफ द इंजेक्शन। इसके बाद है
इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा टेंशनल इंजेक्शन। अब इंट्रा आर्टिकुलर मतलब क्या, बिटवीन टू जॉइंट्स, दो जॉइंट्स के अंदर आप जब किसी चीज को इंजेक्ट करते हो तब उसको बोला जाता है इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा टेंशनल इंजेक्शन। तो कौन से ड्रग को आप जॉइंट्स के बीच में इंजेक्ट करोगे, आंसर इज हाइड्रोकॉर्टिसोन, एक ऐसा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है कि जिसका काम है पेनफुल सेंसेशंस को कम करना। एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो इम्यून सिस्टम है आपके, एंटीबॉडीज है, आपके जॉइंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जिसके कारण आपको पेनफुल सेंसेशंस होता है। फॉर एग्जांपल ये इंग्लैंड के अंपायर है जिनका नाम है बिली बाउडन, क्या लगता है आपको उनकी उंगली जो टेढ़ी है वो मजाक में करते हैं या उनको बीमारी है? एक्चुअल में उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उनकी उंगली मुड़ चुकी है, वो कभी भी अपने उंगली को सीधा नहीं कर सकते, तो उनको वो प्रॉब्लम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। तो इसे हम परमानेंटली हील तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो पेनफुल सेंसेशन हो रहा है इस रीजन में उसे ट्रीट करने के लिए हमें बिटवीन द जॉइंट इंजेक्शन देना पड़ता है, इससे बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन और इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा टेंशनल रूट। इसके बाद है रिट्रोबल्बार इंजेक्शन। अब रिट्रोबल्बार इंजेक्शन मतलब क्या, ठीक आंखों के पीछे, जस्ट बिहाइंड द आईबॉल, आंखों के पीछे मसल्स में जब हम इंजेक्शन को देते हैं तब उस रूट को बोलते हैं रिट्रोबल्बार इंजेक्शन। एंड मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन। अगर आपके आंखों के टिश्यू में कोई डैमेज हो जाता है और उसे रिकवर करना है लेकिन पेनफुल सेंसेशंस बहुत ज्यादा है, उस केस में हम इस रूट को फॉलो करेंगे। तो रिट्रोबल्बार मतलब क्या, बिहाइंड द आईबॉल। देन सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर पहला रूट है ओरल रूट, इट इज सेफर एंड इकोनॉमिकल, ये सेफ है, थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है। सेवरल ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव बाय दिस रूट बिकॉज ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैक्सिमम ऑफ द ड्रग जो हम ओरल कैविटी से खाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट लीवर मेटाबोलाइज कर देता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण आपके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। नाउ व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, आपने जितना ड्रग कंज्यूम किया था उसमें से कितना ड्रग आपको यूजफुल है, कितना ड्रग आपके सर्कुलेशन में एक्चुअल में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। बट ये बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर आपने ड्रग को ओरली कंज्यूम किया तो। कैसे, मान लो पैरासिटामोल आपने 500 mg कंज्यूम कर ली है, तो इसमें से क्या 500 mg आउट ऑफ 500 mg आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा क्या? ना, इसमें से सम अमाउंट लाइक 100 mg लिवर कंज्यूम करेगा, उसे मेटाबोलाइज कर देगा, तो कितना बचा 400 mg। तो इतना ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है इसे बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो लीवर क्या करता है, आपके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम करता है। तो वो कौन से ड्रग्स है जो हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, एग्जाम्पल सम नाइट्रेट्स, लिग्नोकेन, प्रोप्रेनोलोल एंड पेथिडिन। अभी आप कहोगे सर इन ड्रग्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। देखो नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग हम एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जिसके कारण हार्ट के मसल पेन कर रहे हैं। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारी हार्ट की सेल है उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। तो नाइट्रेट्स का एक ही काम है, मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स द हार्ट सेल बाय द वैसोडाइलेशन प्रोसेस। तो नाइट्रेट्स को हम यूज करेंगे जनरली एंजाइना पेक्टोरिस की केस में। लिग्नोकेन एक लोकल एनास्थेटिक है, अगर आपको छोटी मोटी इंजुरी हुई है और स्टिचेस लगाने हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको लोकल एनास्थेटिक देता है, उसका यूज करके आप वहां हाथ के ऊपर स्टिचेस लगा सकते हो। देन प्रोप्रेनोलोल, तो ये जो ड्रग है अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है और आपको बीपी को लो करना है, उस केस में प्रोप्रेनोलोल आपकी मदद करेगा। एंड पेथिडिन एक नार्कोटिक ड्रग है, इससे आप अपने पेन को ठीक कर सकते हो, अगर कोई सीवियर पेन आपके बॉडी में हो रहा है तो उसे हील करने के लिए ये पेथिडिन ड्रग यूज करोगे। तो नाइट्रेट्स यूज्ड इन एंजाइना, लिग्नोकिन यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक, प्रोप्रेनोलोल यूज्ड इन हाइपरटेंशन एंड पेथिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर पेन। तो ये जो ड्रग है जब आप इसे ओरली कंज्यूम करते हो तो इनका
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, जिनके कारण इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। भले ही ये सेफ है, इकोनॉमिकल है, लेकिन इनकी बायो अवेलेबिलिटी एंड जो इफेक्टिव एक्शन है वो कम समय के लिए रहती है। दूसरी चीज कि टाइम लेती है एक्शन शो करने के लिए। जैसे कि आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब आप इंजेक्शन लेते हो 15 से 20 मिनट में आपको ठीक लगता है, लेकिन जब आप एक टैबलेट खाते हो मिनिमम वो 1 घंटा लेता है। तो दोनों में फर्क क्या है? इंजेक्शन आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली आता है, लेकिन टैबलेट उसको टाइम लगता है डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, देन एंट्री इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ओरल रूट एंड पैरेंटरल रूट। नेक्स्ट पॉइंट, सबलिंगुअल रूट। अब सबलिंगुअल रूट हम कब यूज करते हैं? जब हमें ये पता है कि जो ड्रग हम कंज्यूम करेंगे उसमें का मैक्सिमम कंटेंट लिवर तो मेटाबोलाइज करेगा, तो इस केस में हम हमारे टंग के नीचे मेडिसिन को रख के वहां से एब्जॉर्प्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और जो चीजें हमारे टंग के नीचे से एब्जॉर्ब होती है वो लिवर के पास नहीं जाती, दे कैन बाईपास द मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। तो सबलिंगुअल रूट जो है, ये रूट से हम कौन कौन से ड्रग्स को दे सकते हैं? एग्जाम्पल, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये ड्रग हम अंजाइना में यूज करते हैं। बुप्रीनॉर्फिन, ये एक ड्रग पेन किलर करके काम करता है। एंड डेस अमाइनो ऑक्सीटोसिन, इन ड्रग्स को स्पेशली हम सबलिंगुअल रूट से कंज्यूम करते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पेट लिवर में बहुत ज्यादा होता है। द टैबलेट और द पैलेट विच कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग और क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। तो आप ओरल कैविटी में उस टैबलेट को पूरी तरह से तोड़ दो या टंग के नीचे रख दो, यही उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड कौन से ड्रग्स हम सबलिंगुअल रूट से ले सकते हैं? जो हाईली लिपिड सोल्यूबल है एंड जो नॉन इरिटेटिंग है, बस इन्हीं ड्रग्स को हम जनरली ओरल रूट से, सबलिंगुअल रूट से ले सकते हैं। अगर वो ड्रग हाईली इरिटेटिंग है तो जैसे ही आप उसको ओरल कैविटी में रखोगे आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। आप क्या करोगे? उसको स्पिट आउट कर सकते हो, जिसके कारण उस मेडिसिन का इफेक्टिवनेस हो जाएगा जीरो। तो सबलिंगुअल रूट के लिए पहली चीज, वो ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, एंड दूसरी चीज नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, थोड़ा पैलेटेबल टेस्टी होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है सबलिंगुअल रूट की। इसके बाद है रेक्टल रूट। सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू द रेक्टम। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो टेस्ट के लिए बहुत गंदे होते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, उन ड्रग्स को हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। लेकिन रेक्टल रूट से हम मेडिसिन कब देते हैं? जब वो सामने वाला पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो मेडिसिन को निगल भी नहीं सकता, तो बॉडी में पहुंचने की बात तो दूर ही है। उस केस में हम रेक्टल रूट को प्रेफर करते हैं। तो इसमें जो डोसेज फॉर्म है वो है सपोजिटरीज या इनेमा। इनको हम सिस्टमिक इफेक्ट अचीव करने के लिए रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड दिस रूट कैन ऑल्सो बी यूज इन द पेशेंट हु इज हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग। जो लोगों को कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होती है या हो रही है, या जो अनकॉन्शियस है, उन पेशेंट्स के लिए हम ये रूट प्रेफर करते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम रेक्टली दे सकते हैं? एक है डायाजिपाम, एक ऐसा ड्रग जिसको बोला जाता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। आपको एक बड़ा ऑपरेशन करना है 2-3 घंटे का, तो उस केस में हम पेशेंट को कॉन्शियस नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे सर्जिकल प्रोसीजर्स रहेंगी, पेनफुल सेंसेशन रहेगा। तो पेशेंट को पूरी तरह से अनकॉन्शियस करने के लिए डायाजिपाम नाम का ड्रग यूज किया जाता है। इसके बाद है इंडोमिथासिन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ऐसा ड्रग कि जिसके अंदर स्टीरॉयड की मॉइटी नहीं है। अब आप कहोगे स्टीरॉयड एंड नॉन स्टीरॉयड, इसमें फर्क क्या होता है? देखो, स्टीरॉयडल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनका मेन काम होता है कि पेनफुल सेंसेशंस को कम करना, बट ये जरूरी नहीं है कि वो ड्रग हमेशा स्टीरॉयड होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो स्टीरॉयड ना होके भी पेन को इनहिबिट कर सकते हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एग्जाम्पल है इंडोमिथासिन। देन पैरासिटामोल, आप सभी को पता है इसका मेन काम क्या है, फीवर को रिड्यूस करना। देन कम्स अर्गोट अमाइन, अगर आप में से किसी को माइग्रेन है तो टैबलेट को ओपन करके देख लेना, कवर के ऊपर लिखा होगा अर्गोट अमाइन। अर्गोट अमाइन एक फार्माकोग्नोसी का ड्रग है जो हम नेचर से आइसोलेट करते हैं। इसको नेचर से लिया जाता है, और जो पेशेंट माइग्रेन से सफर कर रहा है, जिनके ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी है एंड बहुत सारा ब्लड फ्लो ब्रेन के अंदर हो रहा है, जिसको हमारा क्रेनियम हैंडल नहीं कर पाता,
और बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण पेनफुल सेंसेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं हम माइग्रेन। तो अर्गोटामाइन क्या करता है, ब्रेन के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा जिसके कारण एक्सेसिव ब्लड फ्लो जो हुआ था वो अभी ड्रेन आउट होने लगेगा, जिसके कारण आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी एक्सेसिव हेडेक की वो नहीं होगी। कैसा होता है, माइग्रेन का अटैक आने के बाद वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका पूरे बॉडी के ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। तो उस पेशेंट को हम ओरली कुछ दे नहीं सकते, तो उस केस में हम रेक्टली इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डोंट वरी, सिस्टमिक रूट भी अवेलेबल है, बट अगर ये ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन रेक्टली दिखा सकता है तो हम पैरेंटरल से अच्छा रेक्टल रूट को प्रेफर करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द मेडिकल काउंसिलर, तो जो भी पर्सन वहाँ पे डॉक्टर है वो उसकी चॉइस रहेगी कि इस मोमेंट पे उस पेशेंट को कौन सा ड्रग देना चाहिए, किस रूट से देना चाहिए। तो रेक्टल रूट हम कहाँ पे प्रेफर करेंगे, जिन लोगों को वॉमिटिंग हो रही है या जो अनकॉन्शियस है, बस उस केस में हम रेक्टल रूट को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है क्यूटानियस रूट, ये रूट मतलब हमारे स्किन के डीपर टिश्यू में हम दे सकते हैं। द हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स विच कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। देखो ये आपके स्किन का लेयर है, तो ये सिंगल लेयर नहीं होता है, इसके नीचे टोटल 6 लेयर्स होते हैं। तो इन 6 लेयर्स को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के लिए हम क्यूटेनियस रूट को अप्लाई कर सकते हैं, और ये रूट हम हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि इस रूट के थ्रू आप लीवर को बाईपास कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर मसल का पेन है तो आप मुंह, ये सुना होगा आपने मुंह, इसका स्प्रे भी आता है एंड क्रीम भी आती है, इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मेन काम इतना ही है, स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे स्किन को पेनिट्रेट करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा। इससे क्या होगा, लीवर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और लीवर के पास जाने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो वो कौन सी ड्रग है जो हम क्यूटानियस रूट से देते हैं, इसके अंदर है फेंटैनिल, एक ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग। अब ये ओपोइड क्या होता है, जब आप फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ओपोइड मतलब गांजा, जो आप जनरली मूवीज में सुन चुके हो। तो ओपोइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कारण लोगों को नशा होता है, और यही केमिकल आपको पेन को हील करने के लिए मदद करता है। तो फेंटैनिल जो ड्रग है वो एक ओपोइड एनाल्जेसिक है। सेकेंड वन निकोटिन, जो तंबाकू में पाया जाता है। हायोसिन, बेलाडोना नाम का एक प्लांट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उस बेलाडोना प्लांट में हायोसिन नाम का केमिकल होता है। देन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट विच इज गिवन बाय क्यूटेनियस रूट अल्सो एंड इस्ट्रा डायोल। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्यूटेनियसली जनरली एब्सॉर्ब कर सकते हैं। देन सब क्यूटेनियस रूट, अब सब क्यूटेनियस रूट के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज करेंगे, विच आर नॉन इरिटेटिंग, जो इरिटेटिंग नहीं है उन ड्रग्स को हम सब क्यूटेनियसली एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैन बी एनहांस्ड बाय एंजाइम हायलुरोनिडेज, एक ऐसा एंजाइम जो आपके स्किन के टिश्यू को ब्रेक करके ड्रग को अंदर जाने के लिए परमिट करता है। देखो ये कैसा होता है, ये आपकी स्किन है, तो ड्रग अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो ये एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो इससे अच्छा है आप क्या करो, इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट भेज दो कि स्किन के लेयर को कुछ समय के लिए तोड़ दे, तो ये बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपकी स्किन के थ्रू ये ड्रग इजीली अंदर पेनिट्रेट कर पाता है बिकॉज ऑफ हायलुरोनिडेज। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन के लिए हमें मदद करता है। सबक्यूटेनियस ड्रग इम्प्लांट्स कैन एक्ट एज डिपोट थेरेपी। अब ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन जो आप स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके लंबे समय के लिए रख सकते हो, और जिसका रिलीज थोड़ा थोड़ा होता है, और ये लंबे समय के लिए ड्रग को आपके ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ता रहेगा। इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें दिन में सिर्फ एक ही बार मेडिसिन लेनी है, या हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मेडिसिन लेनी है, क्योंकि हमारा काम का नेचर ऐसा है या शेड्यूल ऐसा है कि हम टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं ले सकते। तो उस केस में हम लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट अगर चालू रखना चाहते हैं तो इम्प्लांट नाम का फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। ये फॉर्मुलेशन हमारे स्किन के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू पेनिट्रेट किया जाता है, और हफ्ता भर, महीना, 2 महीना, 6 महीने, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज ड्रग कर देता है। तो जैसे जैसे ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा वैसे वैसे आपको इफेक्टिवनेस एक्शन मिलेगी। जनरली जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं इनको हम इस रूट के थ्रू देते हैं। इन चिल्ड्रंस सलाइन इज इंजेक्टेड इन द लार्ज क्वांटिटीज
द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मोसाइक्लिस और सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन। ये स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू चिल्ड्रन को हम लंबे समय के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन दे सकते हैं, स्पेसिफिक ड्रग दे सकते हैं। सेल्फ इंजेक्शन भी पॉसिबल है बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड। इस केस में हम सेल्फ इंजेक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डीप टिश्यू में पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबक्यूटेनियस में सिर्फ इतना ही याद रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म थेरेपी देना चाहते हो नॉन इरिटेंट ड्रग की, तो उस केस में हम सबक्यूटेनियस रूट को प्रेफर करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद है सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ दिस रूट। तो ये जो रूट है इसके कुछ स्पेशल फॉर्म भी अवेलेबल है, जैसे कि डर्मोजेट। डर्मोजेट क्या है? एक ऐसा इक्विपमेंट जिसको आप आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे और जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगाओगे ये ड्रग आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीडल को यूज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज डर्मोजेट। इसके बाद है पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सियालिस्टिक या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि स्किन के अंदर हम किसी ड्रग का फॉर्मुलेशन इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यह है आपके स्किन का लेयर, ठीक है? तो यहाँ पे एक लेयर नहीं, टोटल 7 लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के। तो इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के थ्रू आप उस फॉर्मुलेशन को आपके स्किन लेयर के अंदर छोड़ देते हो और यह फॉर्मुलेशन थोड़ा थोड़ा करके ड्रग को रिलीज कर देता है और फिर इसका एब्जॉर्प्शन होके वो अपना इफेक्टिव एक्शन शो करता है। तो ये जो इम्प्लांट्स है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है वो आपके बॉडी के अंदर टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है, उसको फिर से ऑपरेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको आपको एक टाइम के बाद निकालना पड़ता है। सो दीज आर दी सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ दिस सबक्यूटेनियस रूट। इसके बाद है इंट्रामस्कुलर रूट, देन इंट्रावेनस रूट एंड द लास्ट वन इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर रूट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स है इनके अंदर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एंगल ओनली, और वो जो स्पेसिफिक एंगल है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखेगा। तो इंट्रामस्कुलर रूट में हम कौन कौन से मसल्स को यूज कर सकते हैं, इसमें पहला है डेल्टॉइड मसल, दूसरा है ट्राइसेप, देन ग्लूटियस मैक्सिमस एंड रेक्टस फिमोरिस। हमारे बॉडी के कुछ मसल्स हैं जहाँ पे हम ये स्पेसिफिकली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने कोरोना वैक्सीन ली होगी तो ये आपने डेल्टॉइड मसल्स के ऊपर लिया है जो आपके शोल्डर रीजन पे प्रेजेंट होता है। और इंट्रामस्कुलर जब भी हम कभी किसी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसर्शन रहेगा वो होता है 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री में इंजेक्शन को दिया जाता है अगर आप मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हो तो। इसके बाद है इंट्रावेनस रूट, जो हम वेंस के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी रहेगा वो होता है 100%, क्योंकि जितना ड्रग आपने कंज्यूम किया वो सारा आपके सर्कुलेशन में चला आता है। एंड लास्ट वन इज इंट्रा डर्मल इंजेक्शन। आपके स्किन के 3 लेयर है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। तो जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर अगर हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा डर्मल इंजेक्शन। यहाँ पे जो BCG वैक्सीन है इसको हम जनरली इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये कुछ रूट्स हैं, लाइक सबक्यूटेनियस रूट, इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसर्शन रहेगा वो रहेगा 45 डिग्री। इसके बाद है इंट्रामस्कुलर रूट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसर्शन रहेगा 90 डिग्री। इसके बाद है इंट्रावेनस इंजेक्शन, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसर्शन होता है वो होता है 25 डिग्री। एंड लास्ट वन इज इंट्राडर्मल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसर्शन होता है ओनली 10 to 15 डिग्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसर्शन इन केस ऑफ द पैरेंट्रल रूट, तब आपको एक्सप्लेन करना होगा सबक्यूटेनियस को 45 डिग्री में इंजेक्ट करना है, इंट्रामस्कुलर को 90 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री। अब आप ये डायग्राम पेपर में मत ड्रॉ करो, नहीं तो इंजेक्शन ड्रॉ करते बैठोगे, सेंटेंस में लिखना है, बस वहां पे खेल खत्म होगा। नहीं तो आप डायग्राम ड्रॉ करते बैठोगे तो आधा घंटा वैसे ही निकल के जाएगा। तो एग्जाम में MCQ आ सकती है एंगल ऑफ इंसर्शन के ऊपर, या जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट एंगल ऑफ इंसर्शन इन केस ऑफ द पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि किस रूट के लिए कौन सा एंगल ससेप्टिबल है, ठीक है?
तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस को आज आप अटेम्प्ट कर लेते हो। एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 10, 90, 25, नन ऑफ द अबव। 90, एग्जैक्टली, इट इज 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग। इसमें से कौन सा ड्रग ऑर्फन ड्रग है? सोमाट्रिप्टन, रिफाब्यूटिन, होमिपाइजोल, ऑल ऑफ द अबव। सर डीडीएलजी का फैन है, याद आया कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट गिव्स 100% बायो अवेलेबिलिटी? ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, ऑप्शन डी नेजल। इंट्रावेनस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट्रोबल्बर इंजेक्शन मीन्स व्हाट? बिहाइंड द आईबॉल, बिटवीन द जॉइंट्स, डायरेक्टली इनटू द वेंस, या इंजेक्शन इनटू द आर्टरीज? बिहाइंड द आईबॉल। बिहाइंड द आईबॉल। एग्जैक्टली, इट्स बिहाइंड द आईबॉल। करेक्ट। चलो वन मोर क्वेश्चन इज देयर। यस, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, मिनरल्स। प्लांट। Yes, it's plant. Plant. Correct. Okay. तो next lecture में discuss करते हैं pharmacokinetic processes. आज के lecture में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो। Important question लिख लो इस section में से। Explain in detail different routes of drug administration.